हेलो एवरीवन, प्लांट टिश्यू कल्चर में आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो कल्चर मेथड की। एम्ब्रियो कल्चर इज द स्टराइल आइसोलेशन एंड ग्रोथ ऑफ एन इमेच्योर और मैच्योर एम्ब्रियो इन विट्रो टू ऑब्टेन प्लांट। इट इज यूज्ड वेयर बाइबल सीड्स आर नॉट ऑब्टेन। तो जहां कहीं भी आपके बाइबल सीड्स नहीं बनते हैं उनके अंदर मैच्योर या इमेच्योर जिस भी टाइप का एम्ब्रियो है उसको हम निकालते हैं और उसको इन विट्रो कंडीशन में आपका हम प्रोपोगेट कराते हैं और कंप्लीटली नया प्लांट बनाते हैं। एम्ब्रियो कल्चर मेथड आपका दो टाइप का होता है, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर और इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर में एम्ब्रियो डिराइव्ड फ्रॉम रिब सीड्स इट इज यूज्ड व्हेन एम्ब्रियो डू नॉट सर्वाइव इन विवो कंडीशन। जो एम्ब्रियो इन विवो कंडीशन में आपका सर्वाइव नहीं करता है उसके पीछे कारण है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मीन्स सीड के पास आपका सभी अप्रोप्रिएट कंडीशंस अवेलेबल हैं, लाइक प्रॉपर लाइट है, आपका प्रॉपर वाटर अवेलेबल है, आपका टेम्परेचर अवेलेबल है, सनलाइट है, सब कुछ है, मगर सीड आपका जर्मिनेशन शो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी आपका दो रीजन से हो सकती है, केमिकल इनहिबिटर प्रेजेंट हो सकते हैं सीड के अंदर या फिर मैकेनिकल रेजिस्टेंस हो सकता है सीड की आउटर लेयर से। केमिकल इनहिबिटर मीन्स एम्ब्रियो कम्प्लीटली मैच्योर है मगर एंडोस्पर्म के पास कुछ केमिकल इनहिबिटर हैं जो आपका एम्ब्रियो की ग्रोथ को रोक रहे हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। दूसरे बात करते हैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस की, आपका जो एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी है मगर जो सीड की आउटर लेयर है वो मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, वो आपका वाटर को अंदर नहीं आने दे रही है, एयर को अंदर नहीं आने दे रही है, एयर मीन्स ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने दे रही है, जिससे आपका सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस। दूसरे हम बात करते हैं इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर की। इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो रेस्क्यू मैथड। इट इज यूज टू अवॉइड और टू रेस्क्यू द एम्ब्रियो ऑफ वाइट क्रॉसेस। वाइट क्रॉसेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। वाइट क्रॉसेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन आपका दो टाइप का होता है, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। तो जब भी हम इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक क्रॉसेस बनाते हैं तो आपका जो सीड होता है वो जनरली स्टेरिलिटी शो करता है। उसके स्टेरिलिटी शो करने के पीछे जो मेन रीजन है वो है आपका इमैच्योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो वाइट क्रॉसेस जब हम बनाते हैं तो जो स्ट्राइल सीड्स हैं उनके अंदर इमैच्योर एम्ब्रियो हैं, उन इमैच्योर एम्ब्रियो को हम निकालेंगे और उसको हम कल्चर मीडिया पर कल्चर कर कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड, क्योंकि ये इमैच्योर एम्ब्रियो को बचाता है, उनको लाइफ देता है। इट इज यूज टू अवॉइड एम्ब्रियो अबॉर्शन, जो हमने पहले भी अभी बात की है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। सबसे पहले फ्लोरेट्स आर रिमूव्ड, फ्लोरेट्स और ओवरीज आर स्टेरिलाइज्ड, ओव्यूल रिमूव फ्रॉम ओवरी। अब उसके बाद हम एम्ब्रियो रिमूव करेंगे ओव्यूल से। ये सारे प्रोसेस हम स्टराइल कंडीशन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो ग्रोथ इन बेसल मीडियम, जो मीडिया लेंगे वो आपका बेसल मीडियम होगा, और जो कार्बन सोर्स के रूप में हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज इज कार्बन डोनर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की एम्ब्रियो कल्चर मेथड के। जो इसका सबसे पहला यूज है वो प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन इन वाइट क्रॉसेस, इसके बारे में अभी हमने बात की थी आपका एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड में, ठीक है। तो वाइट क्रॉसेस के जो आपका सीड बनता है और जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसको हम बचा सकते हैं और उसे कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं, जो इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है आपका एम्ब्रियो कल्चर मेथड का। दूसरा है आपका हैप्लॉइड प्रोडक्शन। ये प्रोसीजर आपका यूज किया था कासा एंड काउ ने 1970 में। उन्होंने हॉर्डियम बल्गेयर को यूज किया था एज अ फीमेल पेरेंट एंड हॉर्डियम बल्बोसम को यूज किया एज अ मेल पेरेंट। आपको ये बात यहाँ याद रखनी है कि हॉर्डियम बल्बोसम को जो हम यूज करेंगे वो एज अ मेल पेरेंट करेंगे, मींस एज अ पोलन डोनर पेरेंट यूज करेंगे। तो जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो जो आपका हाइब्रिड आया, वो हाइब्रिड को जब उन्होंने साइटोलॉजिकली एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि ये हाइब्रिड आपका हैप्लॉइड थे हॉर्डियम बल्गेयर के। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम बल्गेयर को वल्बोसम से क्रॉस कराते हैं तो जब एम्ब्रियो आपका डेवलप हो रहा होगा उस समय जो क्रोमोसोम है हॉर्डियम बल्बोसम के वो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं और सिर्फ बल्गेयर के ही आपका जो क्रोमोसोम है वो आपका सेल के अंदर रहते हैं। तो आपको हैप्लॉइड प्लांट मिलता है हॉर्डियम बल्गेयर का, अगर हॉर्डियम बल्गेयर को आप हॉर्डियम बल्बोसम से क्रॉस कराएंगे। ये आपका
कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में भी कि विच स्ट्रेन ऑफ हॉर्डियम इज यूज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट, तो आपका हॉर्डियम बल्बोसम एंड एज अ मेल पेरेंट आप इसको यूज करेंगे। ये प्रोसीजर बनाया था आपका कासा एंड काउ ने, सबसे पहले इसको यूज किया था 1970 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरकम सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी की हमने यहाँ पर बात की थी मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर में। डॉर्मेंट सीड मीन्स जो सीड जर्मिनेशन नहीं शो कर रहा है, उसके पीछे केमिकल और मैकेनिकल रेजिस्टेंस थे आपके, ठीक है। तो जो सीड डॉर्मेंसी है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन इन अर्ली राइपनिंग स्टोन फ्रूट जो आपके होते हैं उनमें हम उनको बचा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका पीच, चेरी, एप्रिकॉट एंड प्लम। सो थैंक यू।